Today we are celebrating 74th Republic Day since 1950. This is our national festival. I am Babu from UKG. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Thank you.
Constitution of India, which are guaranteeing to the all citizens. They are applied with a discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are enforceable by the court subject to certain conditions. Some fundamental rights are right to religion, right to equality, right to freedom, right or against exploitation. Thank you. राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व हर भारतवासी की सम्मान और गौरव का पर्व है। हमारा भारत देश को 1947 में 15 अगस्त को आजादी मिला, परंतु आज हमारी शान है। माननीय मुख्य अतिथि सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जान देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1950 को हमारे भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 15 अगस्त 1950 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर
प्रिया नरेसर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के महानगर में हुआ था। इनका पिता का नाम रामाजी मनोजी सक्कर है और माता का नाम भीमबाई सक्कर है। माता भीमबाई के 14 संतानों में वे सबसे छोटे है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत का पहला कानून मंत्री है। इसके पास 32 डिग्रिया थी और वे नौ भाषाओं में निपुण थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता किया है। 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मान किया। जीवन के अमृत समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में शामिल किया है। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। धन्यवाद। Yeah.
I'm so glad you came to see me.
विद्यालय में नवी वर्ग शिकत आहे। आज माझ्याकडून गणतंत्र दिवसासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभकामना। आज मी गणतंत्र दिवस कशाला मनवतो तो मी सांगणार आहे। 24 जानेवारी 1949 ला आपली संविधान समितीने स्थापित केली होती। खूप महान लोकांनी आपली संविधान स्थापित केली होती या दिवशी। आणि नुसतं की ना संविधान स्थापित झाली म्हणून नाही, आपण काय ना आपल्या महान सैनिक लोकांच्या स्मृतीमध्ये पण हे दिवस आपण साजरा करतो। कितीतरी की ना महान आहे की ना पहिल्याच्या काय की ना वीरवीरांना आपल्या आपल्या देशासाठी आपली आपली कितीतरी आपल्या रक्ताचा रक्त त्याग केले। आपल्या की ना घर सगळ्यांना सगळं सोडून की ना आपले सैनिक लोक पण की ना देशासाठी आपले प्राण त्याग करतात। ह्या लोकांच्या स्मृतीमध्ये आपण हे दिवस अर्पित करतो। आणि म्हणून तुम्हा सगळ्यांना गणतंत्र दिवसची खूप खूप शुभकामना। थँक्यू। Yes,
ऑफ कोर्स इट्स रिपब्लिक डे आवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक ऑन द स्पेशल डे व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक रिपब्लिक मीन्स पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स सो वी रूल आवरसेल्व्स यस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए बुक ऑफ लॉज एंड रूल्स What else does it contain? Fundamental, political and duties of our government. Who's written the constitution? It's framed by Dr. Bhimrao Ambedkar, India's first law minister. The chairman of the drafting committee, also known as father of our Indian constitution. Presently, the constitution has 448 articles with 12 schedules after 104 amendments.